हिंदू माइथोलॉजी के कारण आज दुनिया को कई लोक कथाएं मिली और इन्हीं से दुनिया भर में लोगों को सही गलत, न्याय अन्याय और सच और झूठ के बीच अंतर पता चला। रामायण भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें श्रीराम न्याय के हित में अपनी लड़ाई लड़ते हैं और उसी में विजय होकर दुनिया भर में एक मिसाल पैदा करते हैं। इस कहानी में जिसका अंत होता है वो है रावण। रामायण की कहानी तो हम सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि रावण के गलत कामों के चलते ही उसका अंत हुआ था, पर रावण के बारे में फिर भी ऐसी कई बातें हैं जो कई दूसरी लोक कथाओं में बताई गई हैं। पर यही बातें रावण को परम भक्त, ज्ञानी और महान बनाती हैं। पर कम चर्चित होने के कारण वह आज आम जनता तक नहीं पहुंच सकी। आज की इस वीडियो में मैं आपको रावण की ही जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको अब तक नहीं पता होंगी। नंबर 1, शुरुआत करते हैं कि रावण को उसका नाम कैसे मिला। रावण का जो नाम उनके जन्म के समय रखा गया था वो था दशानन। जब रावण ने लंका पर राज करना शुरू करा था तब वह भगवान शिवा से मिलने कैलाश गए। शिवा से मिलने से पहले रावण को शिवा के गेट कीपर नंदी ने अंदर जाने से रोका क्योंकि शिवा अंदर ध्यान कर रहे थे। ऐसे में रावण ने अपनी भक्ति भावना साबित करने के लिए पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश करी। ऐसा करने से शिवा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना पैर पर्वत पर टिका दिया। ऐसा करने से रावण के हाथ की कुछ उंगलियां पर्वत के नीचे कुचल गई और इससे रावण ने दर्द के कारण तेज तेज चीखें मारनी शुरू कर दी। रावण के दर्द की चीखें इतनी तेज थी कि वो पूरी पृथ्वी को हिला दी। दर्द में होने के बावजूद भी रावण ये सोच रहा था कि शिवा शांत रहे और उन्हें खुश करने के लिए ही रावण ने उतने दर्द में होकर भी तांडव करना शुरू कर दिया। रावण को तांडव ध्वनि में देख शिवा को आश्चर्य हुआ कि कोई इतने दर्द में होकर भी दूसरे को शांत करने के लिए कैसे तांडव कर सकता है। उसी समय भगवान शिवा ने खुश होकर दशानन को रावण का नाम दिया। रावण नाम का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तेज दहाड़ हो। नंबर 2, ये फैक्ट आप में से कई लोगों को चौंका सकता है, पर ऐसा इसलिए क्योंकि रावण ने एक बार श्रीराम की मदद भी करी थी। रावण आधा राक्षस और आधा ब्राह्मण था। जब राम सहित वानर सेना रामेश्वरम के तट पर पहुंची तो उन्होंने तय करा कि उन्हें लंका पहुंचने के लिए समुद्र में पुल बनाना होगा। इस पुल के काम शुरू होने के एक दिन पहले श्री राम को भगवान शिवा का आशीर्वाद चाहिए था, पर इसके लिए उन्हें एक यज्ञ कराना था। पर पुराणों के तहत इस यज्ञ को सिर्फ एक ब्राह्मण और ज्ञानी ही करवा सकता है। उस वक्त दूर दूर तक सिर्फ रावण ही ऐसा था जो इस यज्ञ को कराने के लिए योग्य था। श्री राम को जब पता चला कि रावण ही ऐसा करवा सकता है तो उन्होंने रावण को इस यज्ञ को कराने का न्योता भेजा। रावण अपने धर्म, अपनी बिलीव्स और शिवा के प्रति पूरी तरह से कमिटेड था और इसीलिए उसने श्री राम का ये न्योता स्वीकार किया और यज्ञ कराने पहुंच गया। रावण न केवल खुद इस यज्ञ में आया बल्कि उसने श्री राम को आशीर्वाद भी दिया कि वो अपनी जंग में रावण के खिलाफ सफल हो। नंबर 3, रावण ने कई तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी, इसी वजह से रावण को मायावी भी कहा जाता था। इन्हीं तकनीकों में से एक थी रावण की तेज गति और रफ्तार। रावण समय के मुकाबले इतना तेज और ताकतवर हो सकता था कि वह एक समय के लिए सभी प्लैनेट्स के अलाइनमेंट्स में बदलाव ला सकता था। जब रावण के बेटे मेघनाथ का जन्म हो रहा था तब रावण ने कुछ ऐसे प्रयास करे कि सभी ग्रह 11वें स्थान पर आ जाएं। ऐसा करने से रावण का बेटा अमर हो जाता, पर ऐसा करने से रावण असफल रहा क्योंकि सैटर्न यानी शनि ने उस स्थान पर रहने से इनकार कर दिया था। इसी से क्रोधित होकर रावण ने शनि देव पर हमला कर दिया था और उन्हें कुछ समय के लिए अपना बंदी भी बना लिया था। ये किस्सा हमें ये बताता है कि रावण अपने परिवार के लिए किस हद तक जा सकता था। नंबर 4, कई लेखों के अनुसार रावण को पता था कि वो विष्णु के एक अवतार के हाथों मारा जाएगा और ऐसा होने से ही उसे मोक्ष प्राप्ति होगी और अपने राक्षस जीवन से छुटकारा मिलेगा। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार रावण और कुंभकर्ण पहले विष्णु भगवान के गेटकीपर्स हुआ करते थे और उनके उस वक्त नाम हुआ करते थे जया और विजया। विष्णु से जुड़े हुए होने के कारण उनके अंदर अहंकार आने लगा था। इतना अहंकार कि जब एक बार विष्णु जी से मिलने के लिए 4 कुमार ऋषि आए थे तो उन्होंने उनको बच्चे समझकर उनका मजाक उड़ाया। वो 4 कुमार असल में ऋषि थे और ब्रह्मा के दिमाग की बनावट से जन्मे थे। जब जया और विजया ने उनका मजाक उड़ाया था तो उन 4 ऋषियों को बहुत गुस्सा आया और उसी वक्त उन्होंने उन दोनों को श्राप दिया कि अब तुम कभी भी विष्णु से जुड़े नहीं रह सकोगे। इसके बाद जब जया विजया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उनसे माफी मांगी तो उन ऋषियों ने उन्हें 2 विकल्प दिए और इनमें से एक चुनने को कहा।
इनमें से एक था कि तुम्हें 7 जन्मों तक धरती पर विष्णु के अवतार के अलाइज यानी संबंधियों के रूप में काटने होंगे, और दूसरा विकल्प था कि तुम्हें 3 जन्मों तक विष्णु के अवतार का दुश्मन बनकर रहना होगा। जया विजया ने दूसरा विकल्प चुना और इसी कारण वे 3 जन्मों में विष्णु के अवतार के दुश्मन बने। इन्हीं 3 जन्मों में से एक जन्म में वह रावण और कुंभकर्ण बनकर रहे। इसी कारण ये कहा जाता है कि रावण को अपनी किस्मत के बारे में पहले से ही पता था और वह ये भी जानता था कि उसका अंत विष्णु के एक अवतार के हाथों ही होगा। नंबर 5, जब राम की सेना रावण की सेना को धीरे धीरे हराने लगी थी तो अंत में जाकर रावण एक लौता था जो जिंदा बचा था। रावण ने आखिर में फैसला करा कि वो राम की सेना को हराने के लिए एक यज्ञ करेगा, पर इस यज्ञ को कराने के लिए उसे एक ही जगह बैठे रहना होगा और अपनी जगह नहीं छोड़नी होगी। रावण ने अपना यज्ञ शुरू करा और यही देख राम ने अंगद और वानर सेना को भेजा ताकि वो यज्ञ रोका जा सके, क्योंकि अगर वह यज्ञ रोका नहीं जाता तो रावण को हराना नामुमकिन हो जाता। अंगद और वानर सेना रावण को उसकी जगह से नहीं ला सके और इसी कारण अंगद ने जाकर रावण की पत्नी मंदोदरी को बंदी बना दिया। ऐसा करने के बाद भी रावण अपनी जगह से नहीं हिला। फिर मंदोदरी ने रावण से कहा कि श्रीराम अपनी पत्नी के लिए इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं और तुम अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जगह से तक नहीं हिल सकते। इन्हीं बातों से लज्जित होकर रावण ने यज्ञ को बीच में ही छोड़ दिया और मंदोदरी को बचाने के लिए चल दिए। ऐसा करने से रावण का वो यज्ञ भंग हो गया। नंबर 6, रावण सर्वज्ञानी था। उसके पास 6 शास्त्रों और 4 वेदों का ज्ञान था। उसके 10 सर उसके ज्ञान को दर्शाते थे। उच्च दर्जे की नीतियां और साहस रावण के प्रतीक थे। धर्म और शिवा की भक्ति में रावण ने कई तपस्याएं करी। इतना ही नहीं बल्कि खुद भगवान ब्रह्मा भी रावण के ग्रेट ग्रैंड फादर थे। रावण के ज्ञान का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब श्री राम ने रावण का वध कर दिया था और रावण अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि रावण के पास जाकर बैठो और उससे कूटनीति और शासन कला से जुड़ा हुआ ज्ञान लो। रावण ने अपने आखिरी क्षणों में भी जो वो बता सकता था लक्ष्मण को बताया और इसी तरह रावण ने लक्ष्मण को कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी। रावण हिंदू माइथोलॉजी का एक अहम हिस्सा है जो सभी को ये बताता है कि अन्याय का अंत रोका नहीं जा सकता। ये बताता है कि सत्य की जीत को बड़ी से बड़ी कूटनीति तक नहीं रोक सकती। ज्ञान और वरदान कितना भी हो पर अगर सच झूठ सही गलत और न्याय अन्याय का अंतर ना पता हो तो अंत निश्चित है। श्री राम ने रावण का अंत कर फिर एक बार साबित करा कि अंधेरा कितना भी हो अगली सुबह सूरज जरूर चढ़ता है। तो दोस्तों ये थी रावण की जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो अक्सर तौर पर आम जनता को नहीं पता होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।